हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल अनिता शोकन पर स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट कोस्ट कर्व। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में किया था कि जो कोस्ट हैं वो उनको डिफाइन करने की टू अप्रोचेज हैं। वन ट्रेडिशनल अप्रोच है और दूसरी क्या है, मॉडर्न अप्रोच है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था कि कोस्ट टू टाइप्स की होती थी। एक हमारी फिक्स्ड थी, दूसरी हमारी क्या है, वेरिएबल कोस्ट है। तो अब हम देखेंगे कि फिक्स्ड कोस्ट कौन सी है और वेरिएबल कोस्ट कौन सी है। तो यहाँ हम करेंगे जो टोटल कोस्ट है शॉर्ट पीरियड में वो किससे मिला के बनती है, वो फिक्स्ड कोस्ट प्लस में वेरिएबल कोस्ट। टोटल कोस्ट का मतलब क्या है कि किसी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए जितने कुल खर्चे किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टोटल कोस्ट। जैसे एक पेन का प्रोडक्शन किया गया, एक पेन की कोस्ट 10 रुपीज आई है, तो दो पेन की 20, तीन पेन की 30, तो ये हमारी क्या होगी, टोटल कॉस्ट होगी। तीन पेन की टोटल कॉस्ट हमारी 30 रुपीज होगी। तो टोटल कॉस्ट इस प्रकार किस पर डिपेंड किया, ये क्वांटिटी पर, नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, कि कितना हमने प्रोड्यूस किया उस हिसाब से हमारी क्या होगी, टोटल कॉस्ट को हम निकाल पाएंगे। तो इसमें दो चीज़ों की कॉस्ट शामिल है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। अब हम देखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के इंक्रीज होने पर इंक्रीज नहीं होती और प्रोडक्शन के शून्य होने पर शून्य भी नहीं होती, ये उतनी ही रहती है। कि प्रोडक्शन के शून्य होने पर भी जब कोई ना कोई कॉस्ट एग्जिस्ट करती है तो वो कॉस्ट हमारी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। और प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो वो इंक्रीज नहीं होती, प्रोडक्शन डिक्रीज होता है तो वो डिक्रीज नहीं होती, वो थ्रू आउट द सीरीज उतनी ही रहती है। तो जिस प्रकार से हमने किया कि प्रोडक्शन जीरो किया, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये हमारा प्रोडक्शन यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। फिर एक हो गया, जीरो था तो भी ये 10 रुपये थी, एक है तो भी 10 रुपये है, दो यूनिट प्रोड्यूस की तो भी 10 रुपये, तीन यूनिट प्रोड्यूस की, तो ये हमारी क्या, फिक्स्ड कॉस्ट है। तो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या आता है हमारा, क्या कौन कौन सी कॉस्ट को शामिल, देखो बंदी जो बिल्डिंग है उसका किराया, अब उसमें आपने एक महीने का किराया दे चुके हो, उसमें कोई रहो ना रहो वो कॉस्ट तो जा चुकी है। लाइसेंस फीस है वो जा चुकी है, अब आप काम करो ना करो, तो बंदी बिल्डिंग का किराया है, लाइसेंस फीस है हमारी, और जो बंधे कर्म पक्के कर्मचारी हैं, बंधे कर्मचारी हैं उनका वेतन है, तो ये सारी चीज़ें हमारे किस में आती हैं, बंधी लागत में आती, जो उतनी रहती चाहे उत्पादन करो चाहे ना करो, अल्पकाल में ये एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगी। तो इस प्रकार से जो हमारी बिल्डिंग्स है उसमें जो टूट फूट होती है कि बारिश आ रही है, कोई थोड़ी बहुत रिपेयरिंग की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर, तो वो कॉस्ट तो हमें करनी ही करनी पड़ेगी। लैंड है उनको मेंटेन रखने के लिए जो कॉस्ट उठानी पड़ती है, वो सारे खर्चे हमारे किस में आते हैं, बंधी लागत में आते हैं। तो बंधी लागत में क्या क्या इंक्लूड होता है, सैलरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की सैलरीज, डेप्रिशिएशन ऑफ मशीनरी, कि मशीनरी जिस तरह नई लेके आई वो जितने टाइम तक पड़ी रहेगी तो उसमें अपने आप चाहे हम वर्क ना भी करें धूल मिट्टी जमती रहेगी, उसके लिए हमें डेप्रिशिएशन करना ही करना पड़ेगा। अब जब बेचेंगे तो वो उतने की नहीं बिक सकती। एक्सपेंसेस फॉर बिल्डिंग डेप्रिशिएशन एंड रिपेयर, कि बिल्डिंग की जो रिपेयर वगैरह करानी उन पर जो खर्चा है वो इसमें आता है। एक्सपेंसेस फॉर लैंड मेंटेनेंस, कि लैंड को मेंटेन करने पर जो खर्च करना पड़ता है, लाइसेंस फीस, तो ये हमारे किस में आती है, फिक्स्ड कॉस्ट में आती है। अब फिक्स्ड कॉस्ट का हम डायग्राम देखें, इस साइड है हमारी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, इस साइड है हमारी कॉस्ट, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट, ये 10 है तो 10 ही रहेगी, चाहे आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करो, 2 करो, 3 करो, या आप क्या करो यहाँ पर 0 यूनिट प्रोड्यूस करो, तो ये कॉस्ट हमारी कौन सी है, फिक्स्ड कॉस्ट है। अब सेकंड हमारी आती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो वेरीज करती है, कम या ज़्यादा होती रहती है, नाम से ही पता चल रहा है, तो जो हिलती है, कम ज़्यादा होती है, उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। तो ये वो कॉस्ट है जो उत्पादन के शून्य होने पर शून्य होती है और उत्पादन के बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती जाती है, उत्पादन के घटने पर घटती है। जो उत्पादन में होने वाले परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है उस लागत को हम क्या कहते हैं, परिवर्तनशील लागत कहते हैं। तो परिवर्तनशील लागत में क्या है, इस प्रकार से रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, कोई वस्तु बनाओगे तो कच्चा माल प्रयोग करोगे, जब बनाओगे ही नहीं तो मशीनें पड़ी रहेंगी,
कोई कच्चे माल की तो जरूरत नहीं। और उसी प्रकार से डेली के जो मजदूर चाहिए, जिनको हम डेली मजदूरी देते हैं, जब हम प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे तो डेली मजदूरों की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार से जो हमें हमारी मशीन है जो फ्यूल वो ले रही हैं, ईंधन की जिसको ज़रूरत है, कि जो कोयले से चल रही है उनको कोयला चाहिए, बिजली से चल रही है उनको बिजली चाहिए, और जो डीजल से चल रही है उनको डीजल चाहिए, तो वो यूज कैसे होगा? जब वो मशीन ही नहीं चल रही तो वो यूज भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या होंगी? परिवर्तनशील लागत होंगी। जो उत्पादन होगा तो लगेंगी, उत्पादन नहीं होगा तो ये नहीं होंगी। तो इसमें रॉ मेटीरियल कच्चा माल, प्रोडक्शन करेंगे तो चाहिएगा, नहीं करेंगे तो नहीं चाहिएगा। जब कपड़ा बन ही नहीं रहा तो कॉटन की जरूरत क्या है? कोई कॉटन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, कि जो डायरेक्ट काम करने के लिए हमें चाहिए हैं रोज, जिनका 10 मजदूर आज चाहिए हैं, 10 या 15 कल हमें लगाने हैं, क्योंकि प्रोडक्शन हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो जब हम कर ही नहीं रहे तो उन मजदूरों की भी जरूरत ही नहीं है। द रनिंग एक्सपेंसिज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल कौन सी है? मशीनरी या कोई हम लैंड कह सकते हैं, उस पर जो हमारा क्या है रनिंग एक्सपेंसिज हैं, जैसे फ्यूल है, ऑर्डिनरी रिपेयर है, एंड रूटीन मेंटेनेंस है। तो ये हमारे किस में आ गए? ये हमारे आ गए वेरिएबल कॉस्ट में, परिवर्तनशील लागत में। तो अब हम क्या करेंगे? परिवर्तनशील लागत का डायग्राम बनाते हैं कि कैसे हमारे होते हैं। तो देखिएगा, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, जीरो प्रोडक्शन की, ये हमारी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है, परिवर्तनशील लागत है। जब आपने कोई प्रोडक्शन ही नहीं किया तो ये कॉस्ट भी क्या होगी हमारी? जीरो। जब प्रोडक्शन एक किया तो कॉस्ट हमारी क्या है? 5 है। जब प्रोडक्शन 2 किया 9 है। जब प्रोडक्शन 3 किया 12 है। जब प्रोडक्शन 4 किया 14 है। जब प्रोडक्शन 5 किया 14 है। और जब प्रोडक्शन 6 यूनिट किया तो ये हमारे क्या हो जाती है फिर? 19 कर लेते हैं। जब प्रोडक्शन 7 किया तो ये 26 करते हैं। तो अब देखें इसमें हमारा क्या हो रहा है। तो यहां से पहले तो क्या हो रहा है, डिफरेंस निकाल के देखिएगा। डिफरेंस निकाल लो। अब हमारे 5 है, फिर इंक्रीज कितना हुआ हमारा? 9 में से 5 गया 9, 12 में से 9 गया 3, 14 में से 12 गया 2, 14 में से 14 गया 0, और यहाँ हाँ फिर हमारी क्या है 19 में से 14 गया। तो अब क्या हो रहा है? अब इसका पैटर्न देखो। अब ये पैटर्न क्या दिखाता है, ये डिफरेंस क्या करता है? तो ये क्या दिखा रहा है हमारा डिफरेंस, कि पहले हमारी 5 थी, फिर इंक्रीज 4 हुई, फिर 3 हुई, 2 हुई, तो स्लोप क्या हो रहा है? इज डिक्रीजिंग। तो स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग है, या आपका कह लो रेट ऑफ चेंज इज डिक्रीजिंग। यहां से यहां तक तो रेट ऑफ चेंज क्या डिक्रीजिंग हो रही है, 5, 4, 3, 2 डिक्रीज हो रही है। उसके बाद यहां के बाद क्या है? रेट इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या दिखाता है? जो डिफरेंस है ये क्या दिखाता है? ये वेरिएबल कॉस्ट की रेट दिखाता है, कि वो किस रेट से चेंज हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज को हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम रेट ऑफ चेंज का हमारा क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट, कि किस रेट से वो चेंज हुई है, इसी को नाम हम क्या देंगे? मार्जिनल कॉस्ट। तो देखो पहले हमारी क्या है वो 5, 4, 3 क्या हो रही है? घट रही है। तो ये घटती दर से बढ़ रही है, तो ये घट रही है, इसका हमारा मार्जिनल क्या होगी? कम होगी। यहाँ पर हमारा ये होगा, उसके बाद वो बढ़ना शुरू कर देगी तो ये होगा। तो ये हमारे हमें क्या दिखाता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो यू आकार की होती है। तो ये हमारा रेट ऑफ चेंज या स्लोप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट क्या शो करता है हमें, ये हमें मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बताता है।
तो ये हमारा है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम वेरिएबल कॉस्ट को निकालेंगे। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इस साइड हमारी वेरिएबल कॉस्ट। अब ये क्या है हमारी, ये वेरिएबल कॉस्ट है कि पहले तो इसका स्लोप क्या है, घट रहा है। यहाँ पर स्लोप क्या है, कॉन्स्टेंट है, और उसके साथ बाद स्लोप क्या होता है, बढ़ना शुरू कर देता है। तो इसको हम कैसे जाने, देखिएगा यहाँ से ओरिजिन से हम रेखा खींचते हैं, ए ओ क्यू आउटपुट हुआ, फिर रेखा खींची हमने बी ओ क्यू वन आउटपुट हुआ, और एक रेखा हम यहाँ पर से खींच देते हैं ये सी ओ क्यू वन ओ क्यू, ये प्रोडक्शन है। ओ क्यू आउटपुट पर देखो यहाँ पर ए ये वाली रेखा थी, ये सी पे रेखा है, ये बी, तीन रेखा खींची। तो ये क्या दिखाती है कि जो स्लोप है वो ए से सी बी, ये स्लोप क्या होता है, घटता जा रहा है। कि इस रेखा का स्लोप हमें बताता है, तीन अलग अलग पॉइंट है, तो ये स्लोप हर बार क्या होगा, ए से बी तक स्लोप गिरता जा रहा है। तो हम कहेंगे अब यहाँ तक जो हमारी है रेट ऑफ जो हमारा कॉस्ट का चेंज होने का है वो कम होता जा रहा है। तो यहाँ तक हमारी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। ये हमने समझने के लिए क्या था। अब हम आगे चलते हैं, अब यहाँ के पॉइंट हम लेंगे तो देखो तीन पॉइंट हम ए बी और सी ले, ये एक ही रेखा पर आ गए हैं। इसका मतलब यहाँ पर स्लोप क्या है, कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर स्लोप डिक्रीज हो रहा था तो कॉस्ट युवाकार की होने का कारण था कि वो कॉस्ट कम हो रही थी, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब उसके बाद फिर आगे देखिएगा यहाँ के बाद ये पॉइंट लो, उसके बाद ये पॉइंट लो, यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कहने का मतलब है ये तीन प्रकार का स्लोप इसमें यहाँ में दिखाया गया है। कौन कौन सा तीन प्रकार का वेरिएबल कॉस्ट में दिखाया गया है कि पहले जो स्लोप है वो घट रहा है, फिर स्लोप क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट है, और इसके बाद फिर स्लोप क्या कर देता है, बढ़ना शुरू कर देता है। तो वेरिएबल कॉस्ट का जो स्लोप है वो किसको इंडिकेट करता है, वो दिखाता है मार्जिनल कॉस्ट को। ये वेरिएबल कॉस्ट है। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो इसको इरेज करो, वेरिएबल कॉस्ट, इसमें हम फिक्स्ड कॉस्ट और ऐड कर दें। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा क्या है, यहाँ भी 10 थी, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी, यहाँ भी, ये सेम रहती है। तो हमारी टोटल क्या कॉस्ट क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, 0 प्लस 10, 10, ये हमारी 15, ये हमारी कितनी आ गई 19, ये हमारी आ गई 22, ये आ गई हमारी 24, ये 24, 29, और ये हमारी आ गई 36। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट है। पैटर्न इसका भी यही है, हमारा सेम पैटर्न है, क्योंकि पहली लागत तो 10-10 सभी में जुड़ी हुई है। तो इसी प्रकार से इसका पैटर्न और वेरिएबल कॉस्ट का पैटर्न क्या है, सेम है। अब हमारा ये है कि ये इस प्रकार से क्यों हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई हो रहा है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण हमारी कॉस्ट इस प्रकार से हो रहा है कि पहले गिरती है, फिर कॉन्स्टेंट होती है, और फिर से क्या कर देती है, बढ़ना शुरू कर देती है, जो डिफरेंस है वो। अब क्या कारण है, ऐसा हुआ क्यों। तो देखो आपने ये समझा था कि जो कॉस्ट फंक्शन है वो किससे ड्राइव किया गया, प्रोडक्शन फंक्शन से। अब प्रोडक्शन फंक्शन में क्या था, दो प्रकार के साधन थे। अब हमारा दो प्रकार के साधन में, बंद या दूसरा परिवर्तनशील था। बंदे साधन की लागत को बंदी लागत, परिवर्तनशील लागत की साधन की लागत को हमने क्या कहा, परिवर्तनशील लागत। तो अल्पकाल में हमने क्या देखा था कि मशीनरी एक है या भूमि का टुकड़ा एक हेक्टेयर का है,
उस पर पहले एक श्रमिक, फिर दूसरा श्रमिक, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो क्या हुआ था हमारा, ये श्रमिक जो है वो इस भूमि के टुकड़े का पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहा था, क्योंकि अकेला ही क्या कर रहा था सारे काम। उसको हम कह सकते हैं कि हल भी खुद ही बाना था, ट्रैक्टर चलाने का काम खुद कर रहा था, वो कृषि का काम भी खुद कर रहा था, पानी लगाने का काम भी, तो उस टुकड़े का वो बढ़िया तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहा था। या मशीन ले सकते हैं कि मशीन का एक श्रमिक लगाया, वो बढ़िया पैकिंग भी उसी को करनी, हटाना भी डालना भी वो नहीं कर पा रहा था। एक आदमी जब एक टाइम में 10 जगह, हम कहते हैं ना 10 काम का हाथ लगाया, एक भी नहीं बन पाया। तो यही वाली सिचुएशन यहाँ है, बहुत सारे कामों पर इकट्ठा ही हाथ लगाता था, तो किसी भी काम में उसने स्पेशलाइजेशन प्राप्त नहीं किया। तो इसलिए यहाँ पर कोस्ट प्रारंभ में क्या थी, ज्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर श्रमिकों की संख्या बढ़ाई, 2 है 3 है, तो उसको क्या है, काम को जल्दी से आसानी से हर एक पार्ट अलग अलग व्यक्ति करने लगा, कि पैकिंग को भी और कर रहा है, निकालने का पाइप को और कर रहा है, डालने का काम को। तो हर बंदा अपने अपने काम में क्या कर लेता है, वो अब अपने अपने काम में श्रम विभाजन प्राप्त कर लेता है, स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर लेता है, तो अभ्यस्त हो जाता है, आँख बंद करके भी सिलाई कर लेता है। तो एक एक काम जब करते हैं तो पर यूनिट उनकी क्या हो जाती है, कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। तो स्टार्टिंग में इसलिए हमारा कॉस्ट क्या हो जाती है, गिरते दर से बढ़ रही है, वो टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट है, जो इसका रेट ऑफ चेंज है, वो क्या हो रहा है, घटती दर से बढ़ रहा है। और फिर एक, लेकिन एक मशीन पर जो श्रमिक लगने हैं, जो श्रमिकों को खपाने की अक्षमता है, वो लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि आँख बंद करके एक एक ट्रेड पर भी हम श्रमिकों की संख्या बढ़ाते जाएं, तो उसमें भी खपाने की अक्षमता है, वो 2 या 3 व्यक्तियों को खपा सकती है। उससे आगे जब लगाओगे तो उनको कॉस्ट तो देनी पड़ेगी, लेकिन उनका प्रोडक्शन क्या है, 0 है, प्रोडक्शन में तो योगदान नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा होंगे वो बैठेंगे, बीड़ी पिएंगे, बातें मारेंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा। वो किसी कोई भी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेगा, ये काम तेरा है। तो जब तक उनकी जिम्मेवारी थी वो लिमिटेड थे, वो आसानी से बढ़िया बढ़िया तरीके से काम करे थे, तो अब वो इंक्रीजिंग, तो तभी तो क्या हो जाता है, एक ऑप्टिमल यूज हमने किया, एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हमने प्राप्त कर लिया, कि इतने श्रमिक एक मशीन पर, 4 श्रमिक चाहिए थे तो 4 लगा दिए हमने, वो बेस्ट से बेस्ट कॉम्बिनेशन है हमारा, कि इसका फिक्स्ड जो हमारी कैपिटल है उसका और वेरिएबल कैपिटल है उसका। अब यदि उसके बाद भी हम श्रमिकों की संख्या बढ़ाते ही जा रहे हैं तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी, तो लाभ वेरिएबल प्रोपोर्शन लागू होगा। इसीलिए यहाँ से आगे हमारी क्या हो जाती है, कॉस्ट की जो बढ़ने की दर है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, रेट जो है वो इंक्रीजिंग रेट से वो कॉस्ट बढ़ रही है। अब हम इसमें हमारी क्या है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये हमारी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, और वेरिएबल में फिक्स जोड़ दें, ये इतनी थी, इतना जोड़ दो, तो यहाँ पर ये हमारी क्या होगी, टोटल कॉस्ट, और ये हमारी क्या आ रही है, फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि हमारी टोटल कॉस्ट किस किस का जोड़ है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का जोड़ है। तो इस प्रकार से हम ये निकालेंगे कि अल्पकाल में जो टोटल कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से बनती है। फिक्स्ड कॉस्ट वो है जो उत्पादन के 0 होने पर भी कुछ ना कुछ होती है। मान लो अब आपको यहाँ से पूछा जाए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, या ये ना दिया जाए, ये वाली लाइन दी ना हो, और आपसे इसी में से पूछ लिया जाए कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, तो आप कैसे निकालोगे। पता है जब उत्पादन 0 है, 0 उत्पादन पर भी जो कॉस्ट है वो हमारी क्या फिक्स्ड है, तो हर में से 10-10 घटाते जाएंगे, ये भी हमें ना दें, सिर्फ हमें दे दें यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड और टोटल कॉस्ट, और हमसे पूछा जाए कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट निकालो, तो पहला ही है 0 पर जो कॉस्ट होती है वो हमारी क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, तो हम लिख देंगे 10 10 10, और फिर हम क्या कर देंगे, 10 माइनस 10 वेरिएबल की आ गई 0 आ गई, और हमारा 15 माइनस 10 5 आ गई, 19 माइनस 10 9 आ गई, जो 10 10 घटाने के बाद जो बचती है वो हमारी क्या हो जाती है, वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।